MSXL 2016 के इस अध्याय में होम टैब के अलाइनमेंट ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हेडिंग में लिखे टेक्स्ट का ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, यानी अभी ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो हॉरिजॉन्टल यानी आधा है, अगर आप इसको चेंज करके वर्टिकल यानी खड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए ओरिएंटेशन ऑप्शन पर जाकर क्लिक करें। यहाँ देखिए, ये आपको इतनी अलग अलग तरह से ओरिएंटेशन चेंज करने के लिए मिलता है। सबसे पहला इसमें है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, यानी इसमें आपका जो टेक्स्ट है वो तिरछा हो जाएगा, वो भी काउंटर क्लॉकवाइज। ये देखिए, हमने इसको सेलेक्ट करके वो ऑप्शन क्लिक किया तो ये इस तरह से हो गया है। इस पर हम दूसरा ऑप्शन लगाकर देखते हैं, एंगल क्लॉकवाइज, इसमें भी आपका टेक्स्ट तिरछा होगा पर ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अगर आप वर्टिकल टेक्स्ट चुनते हैं तो ये जो टेक्स्ट है वो खड़ा हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे पूरा खड़ा लिखा हुआ है। अगर आप रोटेट टेक्स्ट अप चुनते हैं तो इसमें हमारा जो टेक्स्ट है वो खड़े में आएगा पर वो नीचे से ऊपर की तरफ लिखा हुआ होगा। अगर हम इसका अगला ऑप्शन चुनते हैं, रोटेट टेक्स्ट डाउन, तो इसमें टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ लिखा हुआ आएगा। अब इसमें एक ऑप्शन है फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। अब यहां पर देखिए, अलाइनमेंट के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अलाइनमेंट हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट आपको अलाइनमेंट ब्लॉक में मिलता है जो कि लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट के लिए होता है, और वर्टिकल अलाइनमेंट आपको यहाँ पर टॉप, मिडिल और बॉटम अलाइनमेंट करने के लिए मिलता है। तो जो भी इसमें से आप चुनना चाहें वो चुन सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं। अभी जो हमारा टेक्स्ट है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह से सेंटर अलाइन्ड है। हम हॉरिजॉन्टल तो सेंटर ही रहने दे रहे हैं पर वर्टिकल में हम इसको टॉप चुन रहे हैं। और इसके बाद आप इनका ओरिएंटेशन और चेंज कर सकते हैं। जैसे जो टेक्स्ट हमारा ऑलरेडी तिरछा है उसका भी अगर हमको तिरछापन चेंज करना है, उसका एंगल अगर बदलना है, तो वो हम यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट के आगे जो सुई है उस पर क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे तो डिग्रीज अपने आप चेंज हो जाएगी, या फिर आप सीधे डिग्रीज को यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट कंट्रोल का ऑप्शन भी है, इसको हम आगे की वीडियो में सीखेंगे। अभी हमने अलाइनमेंट और ओरिएंटेशन दोनों सेट कर दिए हैं। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि यहाँ क्या चेंजेस आते हैं। ये देखिए, हमने हॉरिजॉन्टल सेंटर अलाइनमेंट चुना था और वर्टिकल में टॉप चुना था, तो ये देखिए टेक्स्ट है वो वर्टिकल में टॉप अलाइन्ड हो गया है और हॉरिजॉन्टल में सेंटर अलाइन्ड है। क्योंकि हमने सबका ओरिएंटेशन एक साथ चेंज किया था और एक डिग्री पे सेट किया था, इसलिए सभी की सभी एक जैसी स्टाइल में नजर आ रहे हैं। MS Excel 2016 के इस अध्याय में होम टैब में अलाइनमेंट ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा ओरिएंटेशन ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।